जिला प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ जोरदार कार्यवाही शुरू कर दी है। जिला प्रशासन ने अपनी कार्यवाही में टीकमगढ़ के सिविल लाइन रेंज ऑफिस के सामने की सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाया। इस अतिक्रमण के कारण आए दिन जाम और नागरिकों को परेशानी होती है। शहर में जाम और बिगड़ती यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए जिला प्रशासन ने यह फैसला किया। जिला कलेक्ट्रेट में विगत दिनों आयोजित बैठक में इसके संबंध में फैसला लिया गया था। अतिक्रमण हटाने के लिए टीकमगढ़ कलेक्टर के आदेश पर टीकमगढ़ SDM सौरभ मिश्रा, तहसीलदार RP तिवारी, नायब तहसीलदार सुरेंद्र अहिरवार ने पुलिस अमले के साथ मिलकर टीकमगढ़ शहर के नए बस स्टैंड सिविल लाइन में पुराने रेंज ऑफिस के सामने वर्षों से रखी दुकानों को हटाया और लोगों को हिदायत दी कि शासकीय जमीन पर किए गए अतिक्रमण को जल्दी से जल्दी खाली करें ताकि यहां पर पार्किंग और हाथ ठेला खड़े होने के लिए जगह बनाई जा सके। सभी शहर के जनप्रतिनिधि और सभी सदस्यगण थे तो पार्किंग व्यवस्था, कुछ पथ प्रक्षेत्रों के लिए जगह सुनिश्चित करना, कुछ जो यातायात व्यवस्था हमारी बिगड़ रही थी उसके लिए काफ़ी चर्चा हुई और काफ़ी डिसीजंस हुई। कुछ ब्लैक स्पॉट्स निकाले गए जिसको प्रबंधित करना है, जहाँ कोई असामाजिक तत्व उपस्थित ना हो। कुछ ऐसे स्पीड ब्रेकर या ऐसे एक्सीडेंट रोकने के लिए कुछ ऐसी जगह जो शासन की जमीन है लेकिन अतिक्रमण है बहुत कई समय से, उनका उपयोग हॉकर्स जोन के लिए या फिर और दूसरी गतिविधियों के लिए नगर पालिका द्वारा किया जाएगा। तो नगर पालिका को निर्देशित किया गया पूरी समिति के द्वारा और कलेक्टर साहब के द्वारा भी कि इसका अतिक्रमण जहाँ भी है, जिन तीन चार जगह चिन्हित की गई थी, एक तो बस स्टैंड के बाजू में जो शासन की जमीन है वहाँ पर है और एक शहर के बीचों बीच है रेंज ऑफिस के सामने, वहाँ पर भी कुछ अतिक्रमण है। बहुत कीमती जमीन है और उसमें बहुत मतलब ऐसे खराब गाड़ियाँ या फिर कुछ काम होते हैं अतिक्रमण करके जो लोग कर रहे हैं गाड़ियाँ सुधारने वगैरह का, या फिर वहाँ गंदगी इतनी ज़्यादा है कि कई बहुत गंभीर प्रकार की बीमारियों के मच्छर या फिर जो पैरासाइट्स हैं पनप सकते हैं। तो ये बहुत गंभीर मुद्दा भी, संवेदनशील मुद्दा भी है स्वास्थ्य के हिसाब से भी, तो इसलिए उसका अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नगर पालिका ने दूसरे दिन से शुरू की, जिसमें पुलिस और प्रशासन हम सभी लोग उसमें साथ में रहे और जैसे ही लोगों को सूचना दी तो नगर पालिका का जो अधिनियम है 1961 का, उसके हिसाब से अस्थायी निर्माण को 24 आवर की मौखिक सूचना पर हटाने का प्रावधान है और लोगों ने उसमें पूरा सहयोग किया, अस्थायी निर्माण अपने खुद से हटाया और बाकी में लिखित नोटिस दिया गया और जैसे ही नोटिस की अवधि समाप्त होगी तो उन लोगों को भी हटाया जाएगा और जरूरत पड़ने पर उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। दिनांक 23 दिसंबर को दिशा की मीटिंग में और उसके बाद फिर सड़क सुरक्षा समिति की मीटिंग में ये निर्णय लिया गया कि शहर में बढ़ते अतिक्रमण की वजह से यातायात पे दबाव बन रहा है, अतः रेंज ऑफिस के सामने लगभग 20-22 हज़ार स्क्वायर फीट जमीन पे अतिक्रमण थे उसको हमने कल ही हटा दिया है। बाकी भी जगह हमने चिन्हित कर ली है, उसमें नोटिस देके वैधानिक कार्यवाही पूर्ण की जा रही और कार्यवाही पूर्ण करने के उपरांत सख्ती से अतिक्रमण हटाया जाएगा। जबलपुर कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने